मेरा हर वीडियो हर व्यक्ति का काम आ सकता है, क्योंकि दोस्तों कपड़ा पहनना मजबूरी है, इसलिए सिलाई सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं जीवन पंडित, आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि सिलाई आप जो कीजिएगा तो मशीन का भी जानकारी यानी नॉलेज रहना बहुत जरूरी है, ताकि क्या होगा आप छोटा मोटा काम आप घर पर ही कर पाइएगा। आज हम दिखाएंगे इस वीडियो में कि सुई का नोक अब टेढ़ा हो जाता है, ये या तो कहीं पर मोटा में सिलाई करते हैं तो आपका प्लेट में सुई लगने के चलते क्या हो जाता है, उसका नोक मुड़ जाता है। तो हाँ, तो आप वहाँ पर कैसे कीजिएगा, उस सुई क्या काम आपका आ सकता है या नया सुई लगाना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को यही देखने को सीखने को मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक लाइक कीजिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर लिखे। दोस्तों आइए सीधा मशीन की ओर, किस तरह से सुई ठीक करते हैं। सुई देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ है, यहाँ पर थोड़ा ये हो गया, मोड़ आ गया। जैसे सिलाई करते हैं कभी कभी क्या होता है, चेन में कहीं पर मैंने आपका लग गया है तो क्या होगा, ये नोक उसका मोड़ दिया है। अब इसको खोलते हैं, इसका क्या समस्या, देखिए ये पेच कैसे को रखिएगा, इस तरह से इसको इधर से खोलिए, इधर इसका ये सुई नाट है, इस नाट को खोलना है, इस नाट को खोलिएगा तभी जाकर के सुई आपका निकलेगा। इसको आप खोलते हैं इस तरह से, जैसे घुमाइएगा, ये देखिए दोस्तों ये खुल गया, ठीक है ओके। इधर आइए, अभी क्या हुआ है, देखिए इसका जो नोक है ना, नोक 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 टेपर हो गया। अब देखिए साफ सुथरा दिखा दे, जैसे ही हम कपड़ा सिलाई करते हैं तो क्या होता है, धागा को खींच लेता है, तो ये सही नहीं है। तो इसको क्या कर या क्या जाए, इसको शान पत्थर से हम इसको घिस देंगे, ताकि क्या होगा ये फिर नुकीला हो जाएगा। तो नुकीला हो जाने के बाद सिलाई ठीक से चलेगा और ज़्यादा गड़बड़ रहेगा तो आप नया चेंज कर लीजिएगा। तो ये जब तक काम चलेगा चलाइए काम, तो क्या करना है, इसको हमको सीधा ही नुकीला बनाना है। ये शान पत्थर का टुकड़ा है दोस्तों, अब ये सुई को हमको घिसना है, ताकि क्या कर इसको नुकीला कर देना, ये थोड़ा गड़बड़, तो पानी थोड़ा लेना पड़ेगा, यहाँ पर पानी हम लेते हैं। लेने के बाद इस तरह से आप उसको इसको घिसिए, ताकि क्या होगा उसका जो जो टेढ़ा हो गया था वह, और जो आपका इसका जो नोक तो खराब हो गया था वह अब फिर नोकीला हो जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा घिसने के बाद ये इस तरह इसको इस तरह से गोल 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 घुमाते रहिएगा, घिसते रहिएगा, गोल गोल घुमाना है और घिसना है, तो ये पूरा राउंड गोल हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, चेन तेन लगाने में ये ज़्यादा गड़बड़ होता है। चेन का यदि आपका दांत में लग गया या चेन का जो क्लिप रहता है उसमें फंस गया या लग गया तो ये आपका टेढ़ा कर देगा, या तो सुई टूट टूट जाएगा। यदि टूट जाएगा तो नया लगाना पड़ेगा, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा, तो फिर इसका नोकीला नोक तो खराब हो जाएगा थोड़ा। हाँ तो वहाँ पर आप घिस करके इस तरह से ठीक कर लीजिएगा। ये नोकीला हो गया पूरा, अब इसको पानी से धो लेते हैं। इस तरह धोने के बाद इसको कपड़ा से पोंछ लेंगे, इस तरह पोंछ लीजिए इसको। शान पत्थर आप रखना पड़ेगा, नहीं तो शान पत्थर नहीं रहेगा तो पत्थर में भी हो जाएगा, तो इसमें बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एकदम पूरा एकदम साफ कर साफ ही कर देता है। ये हो गया, होने के बाद इसको फिर ये छोटा मशीन का है ये, आप फिर आप सुई यहाँ पर लाभ लगा दीजिए, ताकि क्या होगा आपका ये काम आपका हो जाएगा। ये सुई इस तरह लगा दीजिए, और लगाने के बाद इसको पेचकस, इसका जो सुई का जो नट है, इस नट को इस तरह टाइट कर दीजिए, इस टाइट कर देते हैं, जैसे ही टाइट जितना टाइट होगा उतना कर दीजिए, ताकि क्या होगा ये निकलेगा नहीं। और इसके बाद चला कर देखिए इसका छेद में सही में आ रहा है, यहाँ हाँ ये सही में आ गया, ओके हो गया। आप सिलाई करके देखिए, ये आपका सुरक्षित रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिला सुई का नोक टेढ़ा हो जाता है, तो आप कैसे करके उसको आप ठीक करके आप फिर वही सुई आपका काम में आ सकता है। और यदि आपका ये नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको सुई को फेंकना पड़ेगा, नया सुई लगाना पड़ेगा, वही सुई आपका काम में आ जाएगा। मैंने जो आपको बताया वह आप ट्राई कीजिएगा। और मेरा जितना अनुभव है दोस्तों, आज 21 साल से ये सब काम कर रहा हूँ, मैं मशीन का भी बारे में बहुत बहुत कुछ नॉलेज है, जो कि मैं आज तक सिलाई का मशीन मैं मिस्त्री के पास नहीं ले गया है। जो भी दिक्कत हुआ है उसका पार्ट्स मैं लाया है और मैं खुद इसको फिट करके सिलाई कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग मेरा जितना भी अनुभव है वीडियो में आप लोग को मिलेगा, सिलाई के संबंधित और मशीन के बारे में भी आप लोग को जानकारी मिलेगा, आप लोग ज़रूर इसका फ़ायदा लीजिए। दोस्तों आप लोग चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों ये सब फ्री होता है, करना जरूरी है, क्योंकि आपका लाइक आपका आपका कमेंट मुझे काम करने में और आप लोग को बताने में आनंद आता है और इच्छुक रहता है। दोस्तों दोस्तों
और दूसरा वीडियो में फिर कुछ नया लाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, फिर मिलेंगे।